की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में आएगी और लगभग 13 दिन मध्य प्रदेश में रहेगी। 386 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी, बुरहानपुर से आगरा तक पहुंचेगी। इस बीच एक खत भी विवाद का कारण बन गया है। इंदौर की एक पान की दुकान पर एक खत मिला है जिसमें ये एक हाथ से लिखी हुई लिखा गया है कि राहुल गांधी को बम से उड़ा दिया जाएगा। बहरहाल कितना मामला संगीन है ये इस पर पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा के मायने क्या निकलने वाले हैं, तब जबकि एक ढंग से ये पत्र भी सामने आया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आशीष तिवारी जो भाजपा के प्रवक्ता है। आशीष जी बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। आनंद तारण जी हमारे साथ में मौजूद हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सभी बहुत स्वागत करते हैं जी। और डॉक्टर पीयूष जोशी जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पीयूष जी आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। आशीष जी शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की यात्रा पहुंच रही है, भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है, मध्य प्रदेश प्रवेश कर जाएगी। और हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद 1 घंटा देकर उस पर बातचीत की थी कमलनाथ जी से, किस तरह से भाजपा इस यात्रा को देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये यात्रा केवल और केवल मनोरंजन और फिटनेस तक सीमित है। मैं तो इसे ये कहूंगा कि मनोरंजन की बहुत अच्छी यात्रा है और फिटनेस की बहुत अच्छी यात्रा है कि कम से कम राहुल गांधी जी अपने उस महल से बाहर तो निकले और आज जनता के बीच में घूम रहे हैं, तो यह तो एक बहुत ही अच्छी यात्रा, मैं कहूंगा कि उनके लिए बहुत अच्छी यात्रा है, कांग्रेस के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी यात्रा है। पर जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इस यात्रा का ना तो कोई फर्क पड़ने वाला है ना ही कोई असर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित है और मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। पिछले दिनों जो नगरीय निकाय के चुनाव भी हुए, उन चुनावों के जो परिणाम थे, उन परिणामों ने भी यह प्रमाणित कर दिया कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद निर्विरोध रूप से जीते, अत्यधिक वोटों से जीते, और जहां कहीं भी हमारी कमी हुई या हमारी हार हुई तो उस हार का अंतर बहुत कम रहा। मतलब एक वोट प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो यह तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में आज भी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ मैं एक चीज और देखता हूं इस यात्रा को लेके कि राहुल जी प्रियंका जी जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ये हिंदू हो जाते हैं और हिंदू बनने की पूरी कोशिश करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और मंदिर जाने लगते हैं, कभी जनेऊ धारण करने लगते हैं, कभी शिव के मंदिर जाते हैं, अब बाबा महाकाल के पास आशीर्वाद लेने आए हैं। यदि चुनाव नहीं होता तो क्या राहुल गांधी आते? नहीं, राहुल गांधी नहीं आते, ना राहुल गांधी कोई यात्रा निकालते। मतलब इनका केवल और केवल एजेंडा चुनाव है। इनकी यात्रा ना तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है ना मध्य प्रदेश की जनता के लिए है। यदि मध्य प्रदेश की जनता के लिए है तब उन्हें बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने उन्होंने वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर कर्ज माफी करेंगे, तो उन्हें इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा राहुल गांधी जी को मध्य प्रदेश की भूमि में प्रवेश करने के पहले कि हम असफल हो गए और हम ना मुख्यमंत्री बदल पाए बल्कि हमारा मुख्यमंत्री विधायकों ने ही बदल दिया। तो ये परिस्थितियां जो निर्मित हुई हैं, ये परिस्थितियां प्रमाणित करती हैं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की यात्रा का किसी भी प्रकार से असर होने वाला नहीं है। चलिए आशीष जी, जो आप कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए यात्रा है, लेकिन देखिए आप आपका जो प्रतिपक्ष है वो जनता के बीच में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है। आप यदि नहीं मिलता है तो आप कहते हैं कि जनता के बीच में नहीं जाते, अब जब मिल रहा है तो आप उसे मनोरंजन बात कह रहे हैं। तो कहीं मुझे लगता है कि भाजपा तो जो है वो स्वागत करती है अपने स्ट्रॉन्ग विपक्ष का, तो आपको स्वागत करना चाहिए इस यात्रा का। देखिए, कांग्रेस यदि विपक्ष की भूमिका अदा करती तो निश्चित तौर पर स्वागत किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका ही समझ में नहीं आती, आपस में ही उनके राजनेता बिखरे पड़े हुए हैं। आप देखिए इस यात्रा को, जब इस यात्रा की प्लान योजना बन रही है कांग्रेस के नेताओं के बीच में तो उनके बीच में ही विरोधाभास है। सुभाष यादव जी चाहते हैं कि वह यात्रा उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक समय तक रहे और अन्य नेता चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो मुझे लाभ होगा। मतलब उनका एक प्रॉपर जो कहना चाहिए कि यात्रा का रूट होता है, एक प्लान होता है, कोई यात्रा का कोई ना तो प्लान है ना कोई योजना है, केवल एक यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी पर्याप्त मनोरंजन कर रहे हैं लोगों का भी और अपना, और फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। आनंद जी, ये यात्रा जो है
क्या लगता है कि विशुद्ध राजनीतिक यात्रा है, 2023 का चुनाव है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अधिकतम दिन रहने वाले हैं, 13 दिन रहने वाले हैं, आपको लगता है इसका राजनीतिक लाभ तो निश्चित रूप से मिलना ही है आपकी पार्टी को? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, मनोरंजन मान रहे हैं, फिटनेस मान रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और हास्यास्पद बात तो हो ही नहीं सकती। एक ऐसी पार्टी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक राज करती हो, आज कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जो 3,500 किलोमीटर की यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, तो क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में इतनी हिम्मत है कि ऐसी यात्रा करके दिखाए, और जो आज माँ उनके साथ है वो करके दिखाए? ये जो बातें करते हैं, कितने डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब अपनी जो जवाबदारी उससे मुकर रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। अरे भाई, विपक्ष नहीं होती तो खरीद फरोख्त क्यों करते? क्यों हमारे विधायकों को खरीदते और अपनी सरकार बनाते? क्यों पिछले दरवाजे से सत्ता में आते? विधायकों ने आपको छोड़ा है, आप नाकाम थे इसलिए। सुनिए, शांति सुनिए, मैंने बहुत देर सुना आपको, शांत रहे, ज्यादा अच्छी बात है। किस तरह से डरे हुए सहने हुए लोग, झूठ बोलने वाले लोग हैं, दशानंद का चेहरा है, झूठ फरेब के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। केवल और केवल मक्कारी की बातें करते हैं, केवल और केवल जो देश को तोड़ने वाली बात है वो करते हैं, केवल और केवल देश का नुकसान करने वाली बात करते हैं। इसके पास इनके पास कुछ देश को नहीं, तो 47 में आपने तोड़ा, कांग्रेस की बात है, कांग्रेस आपने स्वीकार किया। सुने सुने, सुनना सीखें, सुनना सीखें, एक अच्छे सत्ता पक्ष की भूमिका निभाएं। सुनने सुनेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, अभी कुछ सीखें और समझें कि किस तरह से हमें बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। शर्मनाक बात है कि एक एक ऐसा नेता, जननेता, जिसका पीढ़ियों से इस देश की आजादी से लेकर आज तक का इतिहास रहा है, 70 साल की बात करते थे, आज कहाँ है ये? जो 70 साल में देश ने कमाया उसको बेच रहे हैं, उसके बाद कहाँ महंगाई चरम सीमा पर है, उसकी बात नहीं करेंगे? ये कह रहे हैं विकास की हम बात करें। अरे भाई, विकास तुम बताए ना, क्यों सरपंच जी की शायद आवाज नहीं आ पा रही है। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, आपसे जाना चाहूंगा, विकास का ही नहीं है इनके पास, केवल और केवल विनाश है। आज आप देख लीजिए, आज हम अगर इंदौर में बैठे, इंदौर में बहुमंजिले मकान गिरा दिए गए। अरे भाई, उनको राजसात कर लेते तो कम से कम देश का भला होता, कल्याण होता, उनको हम कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशनों को दे देते तो हो सकता है कुछ देश के लोगों, नौजवानों को कोई रोजगार मिल जाता। आपने बड़े बड़े अट्टालिकाओं को गिराकर जो लोग उसमें रहते थे उनको रोड पे खड़ा कर दिया। अरे एक आदमी अगर बदमाश है तो उसपे कार्रवाई करो ना, क्यों कठोर से कठोर कानून बनाते हो, इसके बाद डरबे में रख देते हो उन्हें, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं करते, क्यों डरते हो, सहमते हो? आज आज जो बातें कर रहे हैं ये, इन्होंने बोला कि हिंदुत्व की बात करते थे, अरे हिंदू का चोला तो तुम पहनते हो, कौन सा हिंदू का फायदा कर रहा? आज की तारीख में जो बातें करते हो, कहीं हिंदू बोलते हो, कहीं चुनाव, अरे चुनाव के मूड में तो आप रहते हैं। आनंद जी, जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे चुनाव के, इसके अलावा आपको कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव के अलावा आपको कुछ नहीं है, आप सत्ता के अलावा कोई चीज नहीं बोल रहे। विपक्ष की भूमिका कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से निभा रही, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो भारत जोड़ो की यात्रा निकल रहा है। जो आपने देश में बिखराव की बात कर दी, जो आपने वैमनस्यता की बात कर दी, जो एक दूसरे में एक दूसरे चक्के निगाह से देख रहा है, उसको जोड़ने की उन्होंने बात की, तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस जो बात कर रही है, जोड़ने की बात कर रही है, और निश्चित रूप से कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो आने वाले समय में इन सब चीजों का फायदा कहीं ना कहीं इस चीज को मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी मैं आज बहुत गंभीरता के साथ और दावे से कहता हूं कि ये हमारी जो यात्रा है, ये भारत जोड़ने की यात्रा है, और इससे सत्तारूढ़ पार्टी की नीचे से ऊपर तक की जड़ें हिल गई हैं, और किस तरह से अनर्गल बत्तब दे रहे हैं, ये बड़ी सोच दी। आनंद जी, हम पीयूष जी से बचना चाहेंगे। पीयूष जी, ये बताइए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, एक पार्टी आम जनता के बीच में जाती है, निश्चित रूप से इसे राजनीतिक यात्रा भी कहा जा रहा है, बहरहाल ये कितनी राजनीतिक है, कितनी सामाजिक है और कितनी व्यवहारिक है, ये अलग मसला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो भारत कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, ये कहीं मायने में, किसी मायने में आम जनता से जुड़ने की एक बात हो रही है? नेता आम लोगों के बीच में जा रहा है, उससे बात कर रहा है, एक अच्छी बात तो हो रही है, चाहे उसका कोई फायदा हो या ना हो। देखिए, बिल्कुल सही बात है, इसमें सभी को स्वागत करना चाहिए। यदि कोई भी दल अपनी यात्रा निकालता है
और देश को समझने की प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो सभी को स्वागत करना चाहिए। और राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसमें आपत्ति तो किसी को भी नहीं होगी। आपने आप याद करें, आपने एक प्रोग्राम किया था जब ये यात्रा शुरू हुई थी, तब उस समय पे हमने बात की थी। तब उस यात्रा के बारे में मेरा ये कहना था कि इस यात्रा में असीमित संभावनाएं हैं, पर ये यात्रा महात्मा गांधी की तरह निकालना पड़ेगी, राहुल गांधी की तरह नहीं निकालना पड़ेगी। यदि आप महात्मा गांधी की तरह देश में निकलेंगे तो आप इतना सीखेंगे कि जितना लोग शताब्दियों में भी नहीं सीख पाए हैं। और यदि आप राहुल गांधी और एक कांग्रेस के नेता की तरह निकलेंगे तो फिर ये रहेगा कि चल तो आप लिए 3,500 किलोमीटर पर पहुंचे कहीं नहीं। और जो कि देखिए नैरेटिव जो बात हो रही है, जो अब थोड़ा पॉलिटिकल यदि इस पे बात कर लें, तो राहुल गांधी जी ने काफी क्लियर तरीके से आज जो महाराष्ट्र में उन्होंने बयान दिया है सावरकर को लेकर, महाराष्ट्र की भूमि पे जाके उन्होंने सावरकर को लेके बयान दिया है, उससे बहुत स्टैंड क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस अब एक लाइन लेने के लिए तैयार है। वो एक अपना नैरेटिव, अपना ट्रेंड, अपनी जो विचारधारा है उसी पर चलेगी आगे। और ये मेरे ख्याल से उन्होंने काफी क्लियर कर दिया है महाराष्ट्र में जाके। जहां तक रही बात इंदौर में वो जो एक पत्र मिला है उसको लेके, तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं उनके परिवार के साथ ही दो बहुत बड़ी त्रासदियां हुई है। तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश शासन की जवाबदारी बनती है कि वो यात्रा अच्छे से निकले। विपक्ष का अधिकार है यात्राएं निकालना। 144 इंदौर जैसे शहर में लगातार पिछले 12 साल से लगी हुई है, क्यों लगी हुई है कोई नहीं जानता। जवाब देने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं आता है कि भाई छोटे से राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए भी हम लोगों को अनुमति लेना पड़ती है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या इतना अशांत शहर है? काश्मीर में भी 12 साल से लगातार 144 नहीं लगी है, तो इंदौर में लगा रखी है आपने। तो इस प्रकार की जो तानाशाही पूर्ण प्रवृत्ति है, ये तानाशाही पूर्ण प्रवृत्ति के विरोध में हरेक को बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार बोलती रही है, हम तो आम आदमी पार्टी के रूप में स्वागत करते हैं और हम निवेदन करते हैं राहुल गांधी जी से, मुझे पता है वो हमारी बात मानेंगे नहीं, पर मैं हम निवेदन करते हैं कि महात्मा गांधी की तरह यात्रा निकालें तो काफी कुछ सीखेंगे, राहुल गांधी की तरह न निकालें और एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में न निकालें, देश के नेता के रूप में। जी बस बस अंतर इतना है कि महात्मा गांधी के सामने उस वक्त देश था और आज चूंकि सत्ता की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो उद्देश्य है वो काफी डिफर करते, तो शायद वैसा हो नहीं पाया। आशीष जी, जो पत्र मिला है उसमें गोविंद सिंह राजपूत जी जो हैं, वो जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस की साजिश हो सकती है। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो सकता है कि कांग्रेसी के द्वारा किया गया? आशीष देखिए, अभी तो पत्र की जांच चल रही है, पर ये कहा जो गोविंद सिंह जी ने जो कहा है वो सोच समझ कर ही कहा होगा निश्चित तौर पर, और कुछ भी हो सकता है क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में फैल हो रही है इस यात्रा की तैयारियों को लेके, तो निश्चित तौर पे क्योंकि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आएंगे तो वो पूछेंगे कि इतनी जनता क्यों है और इतने नेताओं के बीच में विरोधाभास क्यों, क्योंकि यदि ये फैल हो गए उस यात्रा में तो इन्हें बताने के लिए हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इसलिए हम फैल हो गए, इसलिए ये दिक्कतें आ रही थी, तो ये अपने ही नेता को समझाएंगे। और राहुल गांधी जी कुछ भी समझ जाते हैं और बहुत जल्दी समझ जाते हैं, शायद यही परिणाम है उनका। यदि उनकी समझने की क्षमता का एक उदाहरण देखते हैं हम पंजाब को लेके, कि पंजाब में कहां सरकार हुआ करती थी इनकी, और एक कैप्टन हरविंदर सिंह एक कुशल नेता थे, उनको इनने छोड़ दिया और एक एक कॉमेडियन की बात मान के ये आगे बढ़े और ये परिस्थिति हो गई कि आज पंजाब से समाप्त हो गए, पंजाब में भी इनकी राजनीति आज समाप्ति की ओर है। तो इनके पास में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है कांग्रेस के नेताओं के पास में। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि यात्रा से घबराने वाली बात कर रहे थे, यात्रा में जोड़ने की बात कर रहे थे, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जी ने जब यात्रा निकाली तो उस यात्रा में गोली चली, वो गोली चलाने वाले लोग कौन थे? जीतू गुर्जर और अवधेश तोमर, ये कौन थे? शराब माफिया थे। तो ये शराब माफियाओं को जोड़ने का काम कर रही है कांग्रेस की यात्रा, ये अपराधियों को जोड़ने की यात्रा काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर जब यात्रा में अपराधियों को जोड़ेंगे तो क्या इस यात्रा का मूल भाव सफल हो जाएगा? परिणाम सब सामने है, देखने में आ रहा है कि जनता इनसे केवल इनकी यात्रा को रोचक आनंद लेने के लिए देखने के लिए पहुंच रही है, उस यात्रा का मानसिक रूप से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आशीष जी, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि कांग्रेस जो है वो अपराधियों को जोड़ने के लिए यात्रा कर रही है। आनंद जी, दो मसले हैं, एक तो ये आरोप लगाया आशीष जी ने, दूसरा ये कि जो पत्र मिला है इंदौर में राहुल गांधी के संदर्भ में, उस हालांकि पुलिस बहुत गंभीर है उस पर बात भी कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये किसकी खुराफात हो सकती है? आनंद जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि किसकी खुराफात हो सकती है। प्रशासन प्रशासन इनके पास है, खुफिया इनके पास,
हाँ ऐसा है क्यों, राहुल गांधी जी कांग्रेस के जो है निश्चित रूप से तो भाई अगर अगर जनता पार्टी की सरकार की होगी गवर्नमेंट की होगी तो ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई, और दूसरा ये कि जो नेता प्रतिपक्ष के बारे में इन्होंने बोला भाई, उसमें अगर कोई चल रहा है, अगर कोई बदमाश आदमी है या कोई माफिया वाला है तो भाई इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो फेल है ना मध्य प्रदेश में, अगर आप माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकते अरे और आपका कार्यकर्ता था साहब, हमारे किसी कांग्रेस का, कार्यकर्ता पर आरोप लगाता कांग्रेस का आप कार्यकर्ता तो उसके था, ऊपर उसकी कार्रवाई प्रजा होगी बोले कांग्रेस की है। पता करिए थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लीजिए। क्योंकि आप नाकाम है और आप ये भी चेक करिए यात्रा में किसको रखना है, यात्रा में अच्छे लोगों को रखा जाता है रणनीति ताकि इस मुकर रहे समाज में कुछ असर पड़े। आप सरकार में हो आनंद जी आपका नेटवर्क में शायद कहीं कुछ समस्या आवाज नहीं आ पा रही है। से का। और इन सब चीजों को बहुत लेने की बात है, ये जो मस्करी की बातें करते हैं ये बात उड़ाने की बात, ये ठीक तो अगर उसका गंभीर होनी चाहिए इनमें। और जहां तक राहुल गांधी की लेटर मारने की फेलुअर है ना, नाकामी। कि आपकी चूंकि आवाज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, हम पीयूष जी से बात करें। पीयूष जी आपको लगता है कि कांग्रेस की इस यात्रा के दूरगामी परिणाम अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जब आप गाहे बगाहे आप जब मेहनत करते हैं, आप जब सड़क पर आते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों से कवायद करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, लोग आपको समझते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न तो आपका ग्राफ बढ़ता है। आपको लगता है कि दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और किस रूप में सामने आ सकते हैं? देखिए पंकज भाई, मेरा एक बात में बहुत दृढ़ता से मानना है, मैं बहुत न्यूट्रल होके इस डिबेट में अपनी बात रख रहा हूँ कि एक बार किया हुआ कर्म अपना फल दिए बगैर नष्ट नहीं होता। यदि वो सत्कर्म होता है तो सत्फल देता है, और यदि कुकर्म होता है तो खराब फल देता है। तो ये तो गीता में भी लिखा है। तो यदि कुछ भी कर्म करेंगे तो उसका फल तो आएगा। अब रही बात इस यात्रा की, तो मैं इस यात्रा का पर्पस एक्चुअली समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि राजनीतिक यात्रा बार 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 हमारे कांग्रेस के मित्र भी राजनीतिक यात्रा बोल रहे थे। मैं उसमें काफी ज्यादा संभावनाएं देखता था, पर क्योंकि कांग्रेस के ही मेरे मित्र यदि उसे राजनीतिक यात्रा के रूप में देख रहे हैं तो मैं भी फोर्स हूँ उसको राजनीतिक यात्रा के रूप में देखने के लिए। तो यदि आप संगठन निर्माण के लिए यात्रा कर रहे हैं तो आप बहुत लेट हो चुके हैं, और यदि आप लोकसभा चुनाव के लिए यदि वो यात्रा कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी निकाल रहे हैं यात्रा, क्योंकि 1.5 साल का समय बहुत लंबा हो जाता है। तो मुझे यात्रा एक्चुअली समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या स्थिति है। तो रही बात राहुल गांधी जी की, तो ठीक है, अच्छी बात है कि भाई और फिट तो वो है, तो उसमें वो फिटनेस के लिए तो यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। ये बात जरूर है कि अपनी समझ को बढ़ाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। इस देश को एक अच्छी कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है, अपनी स्थिति खोती जा रही है। इनकी स्थिति भी इनके इंटरनेट कनेक्शन जैसी हो गई है, रुक रुक के चलती है और आवाज ठीक से जनता तक पहुंच जाती है। ये क्या किया जाए। जी, आशीष जी चूंकि समय कम है, आशीष जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की चूंकि यात्रा मध्यप्रदेश में पहुंच रही है, बहरहाल जो भी हो, चूंकि आपकी एक बड़ी प्रतिपक्ष पार्टी है, आपकी विपक्ष की पार्टी है, आपको सम्मान करना चाहिए। किस रूप में आप, मैं क्वेश्चन को प्रश्न को दोहरा रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या भाजपा स्वागत करने की स्थिति में है कांग्रेस की इस यात्रा को? देखिए कांग्रेस की यात्रा से ना तो मध्य प्रदेश की जनता में कोई फर्क पड़ने वाला है, और ना मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि कांग्रेसियों पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके संस्कारों में इस समय पे खींचा तानी के अलावा कुछ नहीं है। और जब संस्कार आपस में ही टकरा जाएं और आपस में ही संबंध टकरा जाएं और परिवार ही आपस में लड़ने लगे, तो पहले तो उन्हें अपनी कांग्रेस को ही जोड़ना चाहिए था। तो यात्रा का जो आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यात्रा का उद्देश्य, तो मैं यही, मुझे भी ऐसा लगता है कि इस यात्रा का कोई मूल उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जहां आप पार्टी के प्रवक्ता ने भी एक बहुत अच्छी बात कही, उनकी बात को मैं अपने से बोल देता हूं कि राहुल गांधी जी की समझ बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पे उन्होंने खेत खलियान नहीं देखे थे, पेड़ पौधे बहुत करीब से नहीं देखे थे, तो आज वो कम से कम सड़क पर उतर के आए हैं तो खेत खलियान भी देखेंगे, उन्हें बाहर का मौसम भी पता चलेगा, कब ठंडी होती है कब गर्मी होती है, और एक परिस्थितियों से जलवायु का भी फर्क पड़ रहा होगा, जलवायु पे भी असर आ रहा होगा, तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि किसान कितनी तेज धूप में
जलता है तब उसका अनाज निकलता है, और उसी किसान का जब वो कर्ज माफी नहीं दे पाए तो उसी किसान ने कैसे बदला लिया, सरकार उनके हाथ से निकल गई। तो ये जो परिणाम उनको निकल कर आए हैं वो तो उनके खुद के कर्म, जो आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे उनकी बात को रिपीट कर देता हूं कि उनके खुद के कर्मों ने उनकी पार्टी का आज अंत कर दिया है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश होने वाला है, क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों से कांग्रेस मुक्त हो चुकी है और मध्य प्रदेश का इस 23 के चुनाव में कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। चलिए बहरा आशीष जी, निश्चित रूप से 23 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है, राहुल गांधी उसमें रहेंगे पूरे मध्य प्रदेश में, और जब पूरे जो 13 दिन रहेंगे 5,000 कार्यकर्ताओं के साथ में रहेंगे, समितियां बन चुकी हैं, कांग्रेस उत्साह में है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल निश्चित रूप से ये है कि भाजपा उसे किस रूप में देखती है, कांग्रेस की कल्चर में संस्कृति में क्या वाकई बदलाव आएगा इस यात्रा के बाद में, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा के बाद में जो नेता साथ में हैं, जो राहुल गांधी हैं, उनकी देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति जो है जुड़ाव पैदा होगा, लोगों को समझेंगे, और जमीनी जो समस्याएं होती हैं उनसे भी वो दोचार होंगे, और शायद हो सकता है कि किसी रूप में उन्हें इसका लाभ भविष्य में मिल पाए। बहरहाल हमसे जुड़े और हमसे बातचीत की बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।